हेलो स्टूडेंट्स, RCI एजु हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम चतुर्थांश सिस्टम देख रहे थे, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे और बड़े जो एंगल्स हैं उनको, उनकी वैल्यूज निकालने के लिए हम तरीका यानी कि पढ़ रहे थे। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और फिर से थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये आपके पास क्या है, चतुर्थांश सिस्टम है। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था ये क्या था, फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। यहाँ पे हमने 0 डिग्री रखा था, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 360 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270 डिग्री और यहाँ पे फिर से घूम करके आ जाता था 360 डिग्री। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मापते हैं तो इधर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉक किधर चलती है, इधर टिक 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 टिक, आपने देखा होगा घरों में। अगर नहीं देखा है तो घड़ी को उठाइए और देखना वो कैसे चलेगी। अगर ऐसे लेके खड़े होगे तो इस तरीके से चलेगी। अगर घड़ी की दिशा में चलते हो तो आपका जो कोण आता है वो हमेशा नेगेटिव आएगा, और घड़ी की दिशा के उल्टे साइड में चलोगे तो जो बनने वाला कोण है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये जो कोण है इधर जो चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव रहेगा। अगर इधर हम लेके चलते हैं तो वो नेगेटिव वाला सिस्टम आ जाएगा, यहाँ पे 0 से नेगेटिव साइड में चलेगा, -1 -2 -3 और यहां तक माइनस कितना बन जाएगा 90 डिग्री। उधर घूमेंगे तो यहां पे -180। जितने भी 6 ही है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो यहाँ पे 6 के 6 पॉजिटिव रहेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने कल बताया था, ये मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ये भूल जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत मुश्किल से याद होते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे आपका साइन थीटा और आपका कोसेक थीटा क्या रहेंगे, पॉजिटिव। एंड जो बच गए वो नेगेटिव, यानी कि बाकी नेगेटिव। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे टेन थीटा कोमा कोट थीटा क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और बाकी नेगेटिव जो बच गए हैं। यहाँ पे आपका कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहेंगे और अन्य जो है वो नेगेटिव। यहाँ पे देखो चतुर्थांश जो है 0 से और 90 डिग्री यहाँ तक है, एक चतुर्थांश है, दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है और ये चौथा चतुर्थांश है। एंगल मैंने बता ही दिए हैं, यानी कि कौन कौन से नेगेटिव रहेंगे और कौन कौन से आपके पॉजिटिव रहेंगे। तो अगर हम बात करें 0 से 90 के बीच में तो सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव। 90 से और 180 के बीच में अगर बात करें तो यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक, अगर हमें कोई दे दे क्वेश्चन, जैसे कि कोस ये है साइन 179 डिग्री का मान पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव, तो आप क्या बताओगे। यहाँ पे देखो 179 कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसका मतलब इसमें देखो साइन क्या है, साइन आपका इस चतुर्थांश में पॉजिटिव है, इसका मतलब इस वैल्यू का, इसका मान क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। इसी तरीके से हमसे पूछ सकता है कि टेन 176 डिग्री, 176 डिग्री देखो, ये जो डिग्री है यानी कि जो एंगल है इसको देखो, कहाँ पे आएगा 176, यहाँ पे 90 तक आएगा, तो इसमें आएगा, इसमें देखो टेन पॉजिटिव है कि नेगेटिव, यहाँ पे देखो साइन और कोसेक की पॉजिटिव है यहाँ पे, बाकी सारे नेगेटिव हैं, इसका मतलब है कि टेन 176 क्या रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। तो इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने काम किया है उसमें हम ये बता सकते हैं कि कौन सा डिग्री पॉजिटिव, यानी कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और नेगेटिव। अभी तक पॉजिटिव नेगेटिव हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर और देखें तो आपका साइन 320 डिग्री ये रहेगा, पॉजिटिव वैल्यू रहेगी इसकी या फिर नेगेटिव, वो देखेंगे। तो यहाँ पे देखो साइन 320 किसमें आएगा, देखो यहाँ तक कितना है 270 है, इससे आगे चलेंगे तो इसमें आएगा 270 से 360 के बीच में ही आएगा 320। तो यहाँ पे देखो साइन क्या है, आपका साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है या फिर नेगेटिव, तो
यहाँ पे देखो cos थीटा और sec थीटा ही ओनली पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है नेगेटिव है। इसका मतलब sin 320 जो है वो क्या रहेगा इसमें नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या रहेगी आपकी नेगेटिव रहेगी, माइनस में रहेगी। बाकी एंगल्स में भी आप ढूंढ सकते हो, अगर आपको यहाँ पे इसको नेगेटिव करके दे दिया जाए, आप ये बताओ ये भी तो एंगल ही है और इसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है टेन माइनस 176 डिग्री, तो माइनस किधर से काउंट करोगे आप, इसका ध्यान रखना है। इधर से अब दूसरे साइड में चलोगे, फोर्थ से चलोगे आप, तो ये कहाँ पे आएगा माइनस 176 जीरो से और 90 यहाँ तक रहेगा, और यहाँ पे माइनस 90 से और माइनस 180 डिग्री कहाँ पे रहेगा इधर रहेगा। इसका मतलब इसमें आएगा, इसमें देखो आपका टेन क्या है, टेन जो है इसमें पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव है, यानी कि इस चतुर्थांश में जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि टेन और कोट क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। इसका मतलब टेन माइनस 176 डिग्री जो वैल्यू है आपकी वो क्या रहेगी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। इतना चीज़ सीख गए हो आप, कोई भी एंगल हो सकता है वो बड़ा हो, जैसे कि ये 320 लिया था हमने अब ले लिया साइन 4 320 के बाद 455 ये ले लिया है, अब ये किसमें आएगा वो देखना है हमें, केवल चतुर्थांश देखना है और फिर हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं कि वो नेगेटिव रहेगी या पॉजिटिव, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहे अभी इस बात का ध्यान रखना, केवल ये बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो देखो कहाँ पे जाएगा ये साइन 455, साइन 455 यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में चलेगा, पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में, तो यहाँ तक एक राउंड लगा लिया 360 हो गया, उसके बाद में 360 प्लस 90 कितने होते हैं 450 से ज़्यादा है ना 455 है, तो इसमें आएगा, इसमें देखो क्या है साइन थीटा क्या है पॉजिटिव है और बाकी नेगेटिव है, साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव है, तो ये जो वैल्यू है ये किसमें आ रही है इस क्वाड्रेंट में यानी कि इस चतुर्थांश में आ रही है, और इसमें साइन पॉजिटिव होता है इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये चीज़ आपको समझ आई होगी शायद जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि कोई भी वैल्यू हमसे पूछी जाए तो उसकी उसको सोल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने 10th क्लास में कुछ फॉर्मूले देखे थे उन्हीं को देखते हैं सबसे पहले दोबारा से। जैसे हमने देखे थे साइन 90 माइनस जो भी था थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, यहाँ पे अगर आपका 90 आ गया है तो क्या हो जाता था हमारा ये साइन जो है किस में चेंज हो जाता था कोस में चेंज होता था, ये क्या हो जाएगा आपका कोस, और यहाँ पे प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं था, क्यों नहीं था क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा हमेशा किस चतुर्थांश में आएगा, 90 में से कोई थीटा हुआ वो घटाएंगे तो इसी में आएगा, इसी में आ रहा था वहाँ पे, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो हमेशा सारे जो साइन थे आगे वो पॉजिटिव ही आ रहे थे। उसके बाद में कोस 90 माइनस थीटा क्या होता था आपका कोस का साइन हो जाता था, अब टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन किसमें 90 यहाँ पे आते ही अपना ये जो था साइन या कोस जो भी था इसके विपरीत में चेंज हो रहा था, तो टेन किसमें चेंज हो जाएगा कोट थीटा में। उसके बाद में कोट 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा टेन थीटा, sec 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका sec थीटा। तो ये तो आपने पढ़ लिए थे 10th क्लास में, और मैं बात करूँ दो फोर चार पांच फॉर्मूले और भी पढ़े थे आपने कि sin माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस sin थीटा, ये क्यों होता है देखो थीटा कोई भी वैल्यू है तो 10th क्लास में तो 0 टू 90 डिग्री के बीच में ही पढ़ रहे हैं हम थीटा की वैल्यू, तो यहाँ पे 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो थीटा देखो ये जो है साइन माइनस थीटा कहाँ पे पहुँच रहा है, माइनस थीटा का मतलब 0 थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो ये देखो माइनस कौन से आएगा इधर से आएगा, तो इस चतुर्थांश में पहुँच जाते हैं, और इस चतुर्थांश में देखो कोस और सेक थीटा के अलावा जो साइन थीटा है वो क्या है आपका नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस बाहर आ जाता है और साइन थीटा के बराबर हो जाती है वैल्यू। ये चीज़ आपको समझ में आएगी, लेकिन पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझोगे उसके बाद में आ जाएगी।